money and credit. I'll not be taking the notes because I've done it along with notes. I'm directly doing it along with NCERT. जितने क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, मतलब कि जब भी मैं करवा रही हूँ, इफ आई टेल दैट दिस इज वन क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट, डू मार्क इट अपने बुक में, मार्क करिए या फिर कहीं पर लिखना चाहते हो लिखिए, एंड दोज क्वेश्चंस काइंडली डू इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड मनी एंड क्रेडिट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ड हम सबके लिए. मनी जो है ना सबसे बड़ा बड़ा होता है ना, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया दैट इज मनी. मनी एक ऐसा हमारे लिए मतलब समथिंग, मतलब अगर मैं कहूं कि भाई क्यों पढ़ रहे हो, एवरी वन विल से बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न. आप किसी से भी पूछ लो, आई वॉन्ट टू अर्न, बिकॉज जब हम अर्न बोलते हैं तो कंफर्ट, द रिचेस, द ट्रैवल, टूर, ये सब कुछ हम लोगों का जो है किससे खरीदेंगे, पैसे से. एंड इसीलिए हमारे लिए पैसा एक क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट आ जाता है. अब इस चैप्टर के अंदर आप जो हो, यू विल बी रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ मनी, जो अलग अलग टाइम पर यूज होता था. एंड अभी जो है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, दीज आर एमसीक्यूज, मतलब दीज कैन कम एज एन एमसीक्यू, और एमसीक्यू का मतलब सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता है, एमसीक्यू मतलब आपका स्टेटमेंट, अजर्शन एंड रीजन, इनमें से कोई एक बताना, ट्रू फॉल्स एवरीथिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप. मॉडर्न में क्या है, हमारे पास पैसों के साथ एक बैंकिंग सिस्टम भी है, एंड दैट इज व्हाट दिस चैप्टर डील्स अबाउट. जहां हम हमेशा बोलते हैं, हिमांग के लिए तो मुझे बोलने की जरूरत है, उसके तो फादर भी इकोनॉमिक मतलब की प्रोफेसर है, मेरे लिए इकोनॉमिक्स इज यू नो वेरी, मेरे लिए तो जैसे आपके लिए मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट, मेरे तो इकोनॉमिक्स वाज लाइक वाओ. तो जब हम बात करते हैं, ओ इंडिया की इकोनॉमी कम हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मतलब वी यूज ऑल दीज वर्ड्स. तो जो ये चीज है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द मनी सिस्टम, जो हमारा सिस्टम ऑफ मनी है उनकी वजह से होता है. उसके साथ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो इसीलिए हम लोग जो है वी स्टडी मोर अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस. ऑफ कोर्स फंक्शंस क्या है भाई, मनी तो सब कुछ करता है. आई मीन टू से, टू लिव अ लाइफ जहां आपको मटीरियलिस्टिक थिंग चाहिए, सोफा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो यू नीड मनी, राइट? देन व्हाट, मतलब कि हम लोग जब बात कर रहे हैं, द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट दैट दे होल्ड विद द बैंक. मतलब मनी किसको बोलते हैं, मनी का सर्कुलेशन क्या होता है, आपके पास कितना पैसा है, तो आपके पास कितना पैसा है मतलब वॉट मनी यू आर हैविंग विद यू. आप कहते हो मैम मेरे पास इस वक्त में 1,000 रुपए पड़े, एंड ऑल्सो आपके बैंक में कितने हैं, मैम 1 लाख रुपए पड़े, यानी कि 1,01,000 रुपए आपका स्टॉक है. दैट इज वॉट वी कॉल एज अ स्टॉक, एंड दैट इज वेयर देर आर सो मेनी सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि भाई मनी को कैसे यूज करना है. एंड कभी कभी क्या होता है, द मनी की एक वैल्यू होती है. अब ये वैल्यू कैसे सेट होती है, हाउ डज दिस वैल्यू सेट ऑन अ ओवरऑल फॉर क्लास 10, लेट इज नॉट गो इनटू द डिबेट. फॉर द ओवरऑल जो हमारे गोल्ड डिपॉजिट रिजर्व्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे मनी की वैल्यू होती है, एंड उसको हम अलग अलग डिनोमिनेशन में, यानी कि 1 रुपए का मतलब 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50, 100, 500, 2,000, वी आर सर्कुलेटिंग. एंड कई बार क्या होता है, देर इज एन मतलब कि वो लिमिट होता है, ऐसा नहीं होता कि नोट छापे जाएंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता. एक ओवरऑल के अंदर अगर मैं कहूँ कि इफ वी, अगर हमारा डिपॉजिट, हमारे पास इतना गोल्ड है,
तो वी आर सपोज टू, हम इतना अगर नोट छाप सकते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इनमें कितने 100 के नोट होंगे, कितने 50 के नोट होंगे, कितने 20 के नोट होंगे। कई बार क्या होता है, ड्यू टू द चालाकी, चोरी, इन सब की वजह से मनी, ये जो नोट होते हैं, इनकी नकली नोट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। फॉर अ कॉमन मैन, अबी तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सो मेनी प्रोविजंस कि हम लोग जो है उसको नोट को देखकर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट द नंबर ऑफ सम ऑफ द डिनोमिनेशंस वो सर्कुलेट होने शुरू होते हैं, दे आर यूज फॉर द रॉन्ग पर्पसेस, और इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन नोट्स की वैल्यू को खत्म कर देती है और नए नोट्स छापती है अलग तरीके से। अगर आप पहले जमाने के 1 रुपए का नोट और आज का देखोगे तो देयर वुड बी डिफरेंस। 5 रुपए का नोट देखो, 20 रुपए का नोट देखो, पहले बड़ा ही अलग था, फिर ऑरेंजिश कलर का आता था, फिर अलग आया, अब दूसरा आता। तो द नंबर और ये जो नोट्स के कलर्स, नोट में कैसा लिखना, ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट चेंज करती है ताकि कोई उसको मिस यूज ना कर। एंड ऑन नवंबर सिक्स, मतलब कि 8 नवंबर 2016, दिस कैन बी योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्लास 10। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रीसेंट है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था, मेनी टाइम्स मतलब थ्राइज इट हैज हैपेंड, पहले 40s में भी हुआ था, अभी पहले भी हुआ था, और दिस इज थर्ड टाइम दैट गवर्नमेंट जो है उसने मनी के जो वैल्यू है उसको इनवैलिड कहा, जिसको हम डिमॉन बोलते हैं, दे कॉल इट एज डिमॉन, डिमोनेटाइजेशन। एंड हम लोगों को टाइम मिला था दैट उस पीरियड तक अगर हमारे घर के अंदर कहीं पर भी हमारे पास अगर 500 या 1,000 के नोट है तो वी शुड डिपॉजिट इट इन द बैंक। एंड दिस जो ये प्रोसेस था, दिस वाज इवन दो वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज और करी। दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड मे बी इन योर एमसीक्यूज ओनली। लोगों को जो है देवर सेड दैट यू शुड यूज डिजिटल ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कैश, यानी आप वॉलेट यूज करो या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करो, मोबाइल फोन्स के थ्रू पेमेंट करो। POS पॉइंट ऑफ सेल होता है, अगर आप लोग दुकान जाते तो वो कार्ड को स्वाइप करते हैं ना, जो कार्ड को स्वाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं POS। ये क्यों किया था? बिकॉज यू आर नाउ नॉट नॉट नीडेड टू कैश, मतलब कि टेक द कैश इन योर हैंड, उससे एक तो सेफ्टी रहती है, पहली बात तो आई डोंट नीड टू टेक द कैश ऑफ 10,000 रुपीज विद मी। सेकेंडली करप्शन, यानी कि जो लोग नोटों का गलत इस्तेमाल करते थे, अब उनको तो देर वक्त, अब वो कैसे करेंगे, पहले तो उनके पास 500 हजार के नोट होते थे, वो यूज करते थे, अब है ही नोट ही नहीं तो क्या करेंगे। यस, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा था, देर वर मेनी पीपल दोज हु वर, मतलब कि कई लोग तो मर गए थे। द रीजन दे वर स्टैंडिंग इन द क्यू, समटाइम्स दे वुड बी हैविंग, मतलब वो लोग बेहोश हो जाते थे, एंड समटाइम्स सम ऑफ द पीपल जो है उनके पास तो डिजिटल ट्रांजेक्शन है ही नहीं। इट्स नॉट एवरी वन हु इज यूजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। जो स्मॉल छोटे छोटे दुकान वाले थे, उन लोगों को जब बोला गया कि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करने, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हुआ। इट ऑल्सो हैड, बट ओवर द पीरियड, मतलब 2016 से 2023 के बीच में काफी फर्क आ गया। नाउ पीपल नो हाउ टू यूज। अब हम लोग, हम अब क्या करते हैं, मैक्सिमम पेमेंट हमारे सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है, तो करप्शन को कम किया गया। तो दिस वॉज मतलब कि मनी के यूज, मनी के डिफरेंट फॉर्म्स हुए डीमॉन के ऊपर। और अभी रिसेंटली, अभी जो लास्ट मंथ जो है, आपका दोबारा से 2,000 नोट जो है उनको मतलब कि डिपॉजिट करने के लिए बोला गया था बाय सितंबर 30।
इफ यू आर हैविंग यू हैव टू डिपॉजिट. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मनी. मनी में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कैश ट्रांजैक्शंस की जगह पे हम लोग जो है वी आर यूजिंग द प्लास्टिक कार्ड्स. व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड्स? प्लास्टिक कार्ड्स क्या होते हैं? हमारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स. हमारे जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, जो हमारे अपने बैंक अकाउंट का जो कार्ड होता है, मतलब इफ यू आर पेइंग समवन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश, वो डेबिट कार्ड होगा. लेकिन अगर आप क्रेडिट लेकर, यानी कि आपने बैंक से थ्रू कर्जा ले रहे हो लोन की तरह, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली लोन बट इट इज अ काइंड ऑफ लोन, तो वो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है. एवरी वन हु इज हैविंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, जिसके पास भी सेविंग्स बैंक होगा उसके पास डेबिट कार्ड 100% होगा. चाहे वो आपका रुपए हो, चाहे वो आपका मास्टर कार्ड हो, चाहे वो आपका वीजा कार्ड हो, राइट? लेकिन क्रेडिट कार्ड वही लोग यूज करते हैं जिनको, मतलब कि जिनको लगता है कि दे नीड क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. एंड जो मास्टर कार्ड और वीजा है, ये डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में होते हैं. नाउ जैसे मैंने बोला क्रेडिट, तो क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई एक बिजनेसमैन हो, एक छोटे से शॉप वाला हो, सबको कहीं ना कहीं कर्जे की जरूरत पड़ती है. वी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन. किसी कोई मोबाइल खरीदता है तो कहते हैं हमने ईएमआई पे खरीदा, वो क्या है? क्रेडिट. कोई मकान खरीदता है ऑन लोन. कोई दुकान के लिए रखता है, कोई मतलब कि सम ऑफ देम यूज व्हीकल खरीदता है. और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए करना पड़ता है. आप में से जो बच्चा अगले साल, द पर्सन हु वुड बी गोइंग फॉर कॉमर्स, आप लोग पढ़ोगे दैट बिजनेस फाइनेंस जो है वो कितना बड़ा एक, मतलब इट्स अ वेरी बिग. तो बिजनेस फाइनेंस में हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है. तो हम ये पैसा कहाँ से लाते हैं? इट मे बी फ्रॉम द बैंक, इट मे बी फ्रॉम द शेयर्स, इट मे बी फ्रॉम. तो हम कहाँ से लाते हैं? तो अलग अलग हमारे क्रेडिट होते हैं. फैमिली में जो क्रेडिट लेते हैं वो अलग होता है, जो हम बिजनेस के लिए वो लेते हैं वो अलग होता है, रूरल एरियाज के अंदर अलग होता है. तो उसको, एंड ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है वो है कि हमें इन सब के बारे में हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन. हमें इन सब का इंफॉर्मेशन मिलता फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब हम नया नाम क्या देते हैं, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. पहले हम इसको देते थे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. आपके पेपर में आया हुआ है, दिस हैज कम इन द एग्जाम, NSSO. तो इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है NSO, राइट? प्लस वी हैव डिफरेंट वेबसाइट्स. आरबीआई का जो वेबसाइट है वो है हमारे पास. तो वी हैव डिफरेंट, और इन सब से वी गेट द डेटा. हम लोगों को इन सब से डेटा मिलता है, कितने लोगों ने कर्जा लिया है, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, इन सब के बारे में हम लोगों को मिल जाए. आपको इसके बारे में नहीं, आपको न्यू नेम फॉर द NSSO आता है, मतलब आया हुआ है, दिस हैज कम इन द एग्जाम, राइट? तो नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बच्चे देखिए, आज हम लोगों के पास हम कहते हैं मनी, आज हम कहते हैं मनी, राइट? बट दिस मनी वॉज नॉट द सेम एवरी टाइम. ये मनी हमेशा मनी नहीं रहा है. पहले मनी को हम लोग इस रूप में नहीं जानते थे. वी डिड नॉट नो मनी विद दिस
वाई? बिकॉज ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले जमाने में क्या होता था आपका, ओनली देवर बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम आपका होता है जहां आप सामान को एक्सचेंज करते, लाइक यू आर हैविंग अ ब्यूटिफुल पर्स। आपके पास एक ब्यूटिफुल पर्स है और आप अपने फ्रेंड से, यू आर एक्सचेंजिंग इट, उसके पास कोई सुंदर सा बैंगल है या फिर बॉयज के पास ईयरफोन है और आप अपने ईयरफोन को दूसरे फ्रेंड के साथ में यू आर एक्सचेंजिंग। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। और बार्टर सिस्टम में आपका आता है विद एन एग्जाम्पल, तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देखो कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजली एक्सचेंज इट फॉर कॉमोडिटी और सर्विस। ही मट अब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, ठीक है, अब आपका मन है कि मोमोज खाने हैं, ठीक है ना, मैम तो यहाँ से देखेंगी नहीं, बाहर गए और चुपके से मोमोज भी और खा लिए। लेकिन अगर आपके पास बार्टर सिस्टम है, आपके पास मतलब कि मोमोज के, आपको मोमोज देने की जगह पे आपकी मम्मी ने दिया हुआ कि भाई ये लड्डू बेचकर तू मोमोज खरीद ले, तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको वो इंसान ढूंढना पड़ेगा जो उस लड्डू को खरीदेगा, दूसरा उस इंसान के पास लड्डू की जगह मोमोज भी होना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस होने पड़ते हैं और उसको हम बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। दस एवरी वन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल, देर इज अ शू मेकर, ही वॉन्ट्स टू सेल शू इन द मार्केट एंड बाई व्हीट। उसको शू बेचना है और उसको गेहूं खरीदना है। अब सबसे पहले ही विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी और फिर वो मनी से खरीद लेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी, तब क्या होगा? ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर। पहले तो उस व्हीट ग्रोइंग फार्मर को व्हीट बेचना पड़ेगा, दूसरा उसको जो है शूज ही चाहिए होंगे, तभी तो वो उसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि दोनों तरफा उस चीज की जरूरत होनी जरूरत है। डबल मतलब दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स द वॉन्ट शुड बी देयर। जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए। एंड दिस इज वॉट वी से, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि वॉट इज बार्टर सिस्टम एंड वॉट आर इट्स ड्रॉबैक, और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। ड्रॉबैक्स मतलब उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो वो ये है। एंड पहले शुरू शुरू में तो क्या होता था, जब मतलब वर्ल्ड में लोग आना शुरू हुए थे तो तब तो लोग एक्सचेंज कर लेते थे क्योंकि तो उस वक्त में लोगों की जरूरत इतनी नहीं थी। बट नाउ मुझे नहीं चाहिए गेहूं, आई डोंट ईट राइस, मतलब तो मैं क्या करूं? सो इफ आई हैव समथिंग एल्स जिसको हमने नाम दिया है मनी, तो मैं उस चीज से वो चीज खरीदूंगी जो मुझे चाहिए। इन कंट्रास्ट, इन एन इकोनमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट, मतलब वो बिचौला है। मैंने लिया, मतलब मैंने ये पेंसिल दिया, मुझे मनी मिला, मैंने उस मनी को लिया और जो चीज मुझे चाहिए थी वो लिया, यानी कि दैट इज एन इंटरमीडिएट। इट रिमूव्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट। दैट इज हाउ मनी इज यूजफुल। बट अगर आप सोचो कि मनी जो है वो अपने आप में कुछ यूज होगा, नो। शू को तो आप पहन सकते हो, गेहूं को आप खा सकते हो, गोल्ड की आप ज्वेलरी बना सकते हो, लेकिन क्या
अगर आपके पास नोटों की गड्डी पड़ी है उसका आप कुछ कर सकते हो? नो, मनी हैज नो यूज ऑफ इट्स ओन. ये पेपर में क्वेश्चन आपके आया हुआ है, दैट मनी हैज नो यूज ऑफ इट्स ओन, मतलब अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इफ इट इज यूज, इट इज यूज एज एन इंटरमीडिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, इट इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो दिस इज वाई मनी की जरूरत पड़ी, इसीलिए पैसों की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर एक इंसान के पास वो चीज नहीं होती है जो दूसरों को चाहिए. जैसे गेहूं वाले को चावल नहीं चाहिए, लेकिन चावल वाले को गेहूं चाहिए. देन अगर मनी होगा तो जो गेहूं वाला है उसे बेचेगा, पैसा लेगा और वो चावल खरीद सकता है, या चावल वाला गेहूं खरीद सकता है. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट डबल कोइंसिडेंट हैड, बट उसको रिमूव किया मनी ने. तो मनी का इवोल्यूशन क्या था? मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है क्लास 10 की मनी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या थे, मतलब कहाँ से पैदा हुआ और कैसे वो बड़ा हुआ. पहले आपके जो पुराने जमाने में थे, आपके थे यू हैड दीज मनी, ये थे मनी आपके, गुप्ता कॉइन्स, तुकलक कॉइन्स, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीन, और ये है आपका मॉडर्न कॉइन. उसके अलावा पुराने जमाने में मेटल्स लाइक गोल्ड या सिल्वर या कॉपर यूज होता था, कैटल यूज होते थे. मतलब पुराने जमाने में आपके, मतलब आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द मॉडर्न, व्हाट इज द एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न. तो एंशियंट में हमारे होते थे ग्रेन्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल. फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन. एंड नाउ मॉडर्न करेंसी क्या है? मॉडर्न करेंसी क्या है? मॉडर्न करेंसी इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. मॉडर्न में, एंशियंट में यही होता था, एक मन आटा है तो उसके लिए हम एक कॉपर कॉइन, एक गोल्ड कॉइन ऐसे देते थे. एंड डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइन्स या ग्रेन्स की वैल्यू होती थी. बट अब क्या है, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. आप दिल्ली में रहो, आप पंजाब में रहो, आप कहीं पर भी रहो, 100 रुपए का मतलब 100 रुपए ही होगा. पहले देयर वॉज डिफरेंस. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल, एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नीदर मेड ऑफ एवरीडे यूज. यही मैंने अभी ऊपर लिखा है, मनी हैज नो यूज ऑफ इट्स, यही आपके पेपर का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. मतलब गोल्ड को, कॉपर को, सिल्वर को यू कैन यूज इन अनदर फॉर्म. आप उसका यूटेंसिल्स बना सकते हो, जूस बना सकते हो, ग्रेन्स को आप यूज कर सकते हो, कैटल को आप यूज कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज यूज्ड. स्टिल इट इज यूज्ड. तो क्यों यूज होता है? अब क्यों यूज होता है इन इंडिया? दिस इज बिकॉज जो भी करेंसी किसी भी कंट्री का है, चाइना का है या फिर आपके जापान का येन है या फिर आपके इंडिया का रुपी है, श्रीलंकन रुपी है, फ्रांक है, डॉलर है, इन सब का कहीं ना कोई ऑथराइजेशन होता है. यानी कि देयर इज सम अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी होती है जो इन पैसों को छापती है, प्रिंट करती है, उसकी वैल्यू जो है उसको बताती है, उसकी वैल्यू बताती है, और वो होता है हमारा किसी भी कंट्री का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक.
उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिमेम्बर दिस, इवन दो इट इज नॉट गिवन बट आई एम टेलिंग यू, हमारा मतलब कि किसी भी कंट्री का जो होता है उनका होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब जो मेन बैंक होता है, जो पैसों को छापता है, उसकी वैल्यू पुट करता है। एंड इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा है, दैट इज आरबीआई, हाईएस्ट बैंक, दिस इज द एपेक्स बैंक। एज पर द इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसीज। इट लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे, उसकी सेम वैल्यू रहती है, एंड यू कैन यूज इट एनी वेयर। दैट इज बिकॉज फॉर द एंटायर कंट्री, हमारे यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी करेंसी है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। नाउ जो हम पैसा देते हैं, अब ये तो आरबीआई तो हमारा हाईएस्ट बैंक है, आरबीआई इज द हाईएस्ट बैंक। अब इन बैंक आरबीआई के नीचे जितने भी हमारे बैंक्स हैं, वेदर दे आर नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर दे आर व्हाट वी कॉल एज प्राइवेट बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन से होते हैं? जिनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। वेयर इज जो आपके इंग्लिश नेम्स है लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये जो कोटक महिंद्रा, ये सब आपकी प्राइवेट बैंक्स हैं। बट ऑल ऑफ देम आर सुपरवाइज बाय आरबीआई। ऑल ऑफ देम आर सुपरवाइज बाय आरबीआई। तो ये बैंक क्या काम करता है? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द वर्क ऑफ। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, इस वाले में तो आपका ये आता है द मॉडर्न करेंसी हैज मतलब कि नो वैल्यू। दूसरा, हमारी कंट्री का सुपर बैंक कौन सा है? आरबीआई। फिर आपका आता है कि हाउ डू बैंक, या कि मतलब कि व्हाई आर द डिपॉजिट्स विद द बैंक और डिमांड डिपॉजिट, एक क्वेश्चन। दूसरा, हाउ डू बैंक्स मेंटेन देयर एक्सपेंसेस। तो जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे हम लोगों को जो है वो एनकरेज करते हैं कि हम अपने पैसों को डिपॉजिट करें। से इफ आई एम हैविंग 10,000 रुपीज एंड आई डिपॉजिट 5,000 रुपीज इन द बैंक, राइट? नाउ मैंने अगर ये 5,000 नहीं खर्च किए हैं, तो द बैंक जो भी हमारे बैंक में बैलेंस होता है उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट देता है। यानी कि मेरा जो 5,000 है वो थोड़े टाइम के बाद 5,050 रुपये, 5,100 रुपये, 6,000 बन सकता है। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। लेकिन अगर मैं उसको घर में रखूंगी तो क्या वो मुझे कुछ पैसा देगा? नो। इफ आई कीप द मनी इन माई होम, इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी बेनिफिट। अब बैंक क्या करता है, ये जो 5,000 रुपये मैंने उनको जमा किए हैं, अब मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे, किसी ने 5 किया होगा, किसी ने 50 किया होगा, किसी ने 5 लाख किया होगा। सो बैंक हैज डिपॉजिट्स, और बैंक क्या करता है, इस डिपॉजिट में से 85%, यानी कि अगर 5,000 रुपीज बैंक के पास है तो वो क्या करेगा, 4,250 रुपीज जो है इट विल यूज एज क्रेडिट। यानी कि जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है, जो लोन्स के लिए आते हैं, इन पैसों में से उन लोगों को लोन दे दिया जाता है, और वो जो बाकी 750 रुपये, 750 रुपीज बचे हुए हैं, दैट इज केप्ट एज अ रिजर्व, दैट इज केप्ट एज अ रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, सो दैट कभी किसी को पैसों की जरूरत हुई, वो अपना पैसा मांगने आए, तो इन जो बाकी 750 रुपीज बचे उनमें से वो निकाल के उनको दे देते।
और अगर कोई मतलब क्योंकि मैं एक 5,000 रुपए थोड़ी है, देर आर सो मेनी पीपल हु विल बी डिपॉजिटिंग दिस मनी, तो सबके पैसों को लेकर 85% इट यूजेस एज लोन एंड 15% इट कीप्स एज सीआरआर। याद रखना, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब वो 85% जो लोन देता है ना, उस पर दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो 4,250 है इस पे वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 10%। जनरल एक फिगर बता रही हूँ मैं, एंड हम लोगों को देते हैं 4%। चार्ज कितना कर रहे हैं? 10%, और हमको दे कितना रहे हैं? 4%। तो जो ये माइनस होकर 6% है, इस 6% वाले पैसे को वो रखते हैं अपनी सैलरी, बैंक को मेंटेन करना, उन सब काम की, राइट? एंड बिकॉज हम कभी भी इस पैसों को अपने जो हमने जो सेविंग्स बैंक में डाल रखा, हम वापस ले सकते हैं एनी टाइम। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ have extra cash, so what do we do? They deposit it with the bank by opening a bank account. Bank accepts the deposit, pay an amount of interest. In this way, money is safe and it earns amount as interest. तो अभी मैंने आपको नीचे बताया. People also have the provision to withdraw as when they require, since deposits in the bank account can be withdrawn on deposit, they are called as demand deposits. ये आपका आया हुआ है question. Why the deposits in the banks are called as demand deposits? क्योंकि जब हम चाहते हैं हम वापस demand करके उसको वापस ले सकते हैं. Demand deposit also offers one more interesting facility, that is, it is this facility which lends a कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप अपने पैसों को, जरूरी नहीं है कि यू आर यूजिंग इट ओनली, मतलब कि आप उसको कैश की तरह यूज कर रहे हो, आप अगर उसको चेक की तरह यूज कर सकते हो, आप उसको चेक की तरह यूज कर सकते हो। मतलब आपको किसी को पेमेंट देनी है, मुझे किसी को पेमेंट देनी है, आई हैव दिस चेक ऑल्सो बट आई कैन नॉट शो, मतलब मैं ऐसा दिखा सकती हूँ। Now somebody had to give a check to me. अब या तो वो मुझे कैश देगा वो बंदा, राइट, या फिर हो सकता है कि he और she may give me a check. ये चेक जो है this is the one. और आपके पेपर में इस चेक को एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक तो 10 रुपए का नोट वाला आता है, एक 10 रुपए वाला नोट आता है, आई थिंक इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो इट इज राइट नाउ और नॉट। अर्लियर इट वॉज देयर, दिस क्वेश्चन वॉज देयर कि लुक एट द 10 रुपी नोट। हाँ ये रहा, दिस क्वेश्चन, तो आपको जो है बोल सकते हैं कि चेक को बताओ। तो चेक जो होता है एक, दिस इज एक्चुअली अ पेपर। हम लोग इकोनॉमिक्स में चेक को एज एन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, यानी कि मेरे को किसी को पैसा देना है, किसी ने मुझे पैसा देना है, इंस्टेड ऑफ कैश, इंस्टेड ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो मुझे एक चेक भी दे सकता है जिसके अंदर, दिस इज अ चेक, ये है चेक आपका, जो बैंक है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बैंक का जिस ब्रांच से दे रहे हैं उसका कोड लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर दिया है, किसको कितना पैसा देना, लाइक उसको प्रेम कुमार को देना था तो प्रेम कुमार कितना देना है, और जिसने जिसके अकाउंट है उसका सिग्नेचर। दिस चेक इज नॉर्मली वैलिड ओनली फॉर 3 months। ये जो चेक होता है ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर हम 3 महीने तक यूज नहीं करते हैं तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। द
देर आर टू काइंड्स ऑफ चेक्स. एक होता है सिंपल चेक, राइट, जिसके अंदर ये वाला जो वर्ड है ये नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा है पे प्रेम कुमार. क्या लिखा है? पे प्रेम कुमार. तो दैट इज कॉल्ड एज बियरर चेक, यानी कि जिसके हाथ में वो चेक है वो उस, मतलब कि अगर बैंक गया, मतलब मैंने लिखा पे हिमांक, तो हिमांक अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना आधार कार्ड सब दिखाएगा एंड देन उसको पैसे मिल जाएंगे. दूसरा हो सकता है अकाउंट पे, यानी कि इसमें उसको कैश नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में वो मनी जाएगा, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस चेक, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस चेक. तो ये जो चेक्स होते हैं ना बच्चे, हमारे बिजनेस में दे आर वेरी यूजफुल. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज सामान खरीदा, ठीक है, बट मेरा सामान तो इमिडिएटली बिकेगा नहीं, मैं दुकानदार हूँ, टीचर नहीं हूँ, दुकानदार हूँ, ठीक है. तो अब मैं, मेरा सामान तो अभी बिकेगा नहीं, तो मैं क्या करूँ? जिसने जिससे मैंने सामान खरीदा वो कहेगा भाई पैसा दो. तो इंस्टेड ऑफ कैश आई कैन गिव दैट पर्सन अ चेक. मैं उसको पीडीएस दे सकती हूँ, पोस्ट डेटेड चेक, एंड हो सकता है 15-20 दिन में मेरा माल बिक जाए, मैं बैंक में पैसे डाल दूँ और उसके बैंक में चला जाएगा. तो मैं उसको 10 दिन बाद का चेक दे सकती हूँ. तो दिस वे चेक जो है वो बैंक, मतलब कि उसमें When we are doing the business, उसमें बड़ा हेल्प कर. मोर ओवर यू डोंट नीड टू, सबको आपको कैश देने की जरूरत है. अगर आपको एक मोटा अमाउंट देना है, यू हैव टू गिव 10 लाख रुपीज, यू कैन यूज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक NEFT, RTGS, चेक, UPI. आप इन पेमेंट से यू कैन मेक इट, जिससे आपका पैसा सेफ रहता है, राइट. सो दैट इज द यूज ऑफ अ चेक. आपके पेपर में चेक की डेफिनेशन आ सकती है, ये है चेक, एंड देन दिस इज वॉट, मैंने ये चेक है, वॉट इज दिस, इज द चेक, ये हमारा चेक नंबर होता है जो बैंक होता है वो इश्यू करता है, ये अमाउंट होता है जितने का, और इस अमाउंट को हम न्यूमेरिकल्स एंड उसमें दोनों में लिखते हैं लैंग्वेज, राइट. सो दिस इज हाउ डिमांड डिपॉजिट्स, अगर हमने अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो हम उस पैसों को कैश की तरह यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, सॉरी डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, या फिर चेक के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं. द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, एंड दैट इज वाई चेक भी हमारा जो है एक तरफ से मॉडर्न करेंसी माना जाता है, राइट. सो इससे हमें क्या पता लगा? दैट बैंक्स प्ले अ मेजर रोल. द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, डिपॉजिट, सब कुछ बैंक से रिलेटेड है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स दैट, मतलब बैंक एक तो हम हमारे जो पैसे हैं उनको सेविंग्स में रखता है. इट कैन कीप अवर मनी इन FD. वी कैन डिपॉजिट RD. सेविंग्स होता है आपके मम्मी पापा आपको, आपके मम्मी पापा आपको एवरी मंथ 5,000 रुपीज देते, ठीक है, और उसमें आपके बड़े सारे खर्चे हैं, दैट कैन बी योर ट्यूशन फीस, दैट कैन बी एनीथिंग. अब आपके पास एवरी मंथ 1,000 रुपीज बच जाता है, आप उसको बैंक में डाल सकते हो, या आप उस 5,000 को डालकर जिस जिसको आप पेमेंट दे रहे हो, यू कैन यूज द UPI, डेबिट कार्ड, चेक के थ्रू आप पेमेंट दे सकते हो. FD होता है जब आपके पास आपके मामा जी आए, उन्होंने आपको 10,000 रुपये दिया एज गिफ्ट, आप उसको नहीं खर्चा करना चाहते हो, आप उसको जो हो FD में डाल दोगे, फिक्स्ड डिपॉजिट, और बाद में आप 1 साल बाद, या मतलब दैट डिपेंड, 7 डेज से लेकर आप उतने दिन के लिए डाल लो और बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा. एंड RD होता है व्हेन आप एवरी मंथ यू आर डिपॉजिटिंग
एन अमाउंट इन द बैंक फॉर सम मंथ्स, लाइक 1,000 रुपए 10-12 महीने के लिए किए, 12,000 रुपए प्लस आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये तो हुए बैंक हमारे लिए डिपॉजिट्स को कैसे हेल्प करता है। दूसरा, बैंक हम लोगों को लोन भी देता है, बैंक हमको लोन भी देता है। एंड लोन में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन, एज आई सेड, होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, बिजनेस लोन। तो व्हाट डू द, मैंने जैसे बताया कि बैंक ये वाला जो है, अभी मैंने आपको बताया था, देर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन एज कैश विद देमसेल्व्स, दैट इज बैंक होल्ड 15%, एंड जो बाकी 85% होता है दैट दे एक्सटेंड एज लोन। ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल, दैट दे कीप 15% और 85% जो है दे गिव एज लोन। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, कभी ज्यादा कभी। तो वो 15% जो उनके पास होते हैं वो उससे मैनेज करते हैं जो लोग पैसा वापस लेने आते हैं। बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन, अलग अलग तरीके के लोन जो मैं बता चुकी हूँ। Banks make use of the deposits to meet the loan requirement. In this way, bank mediate. ये आपका question है. Between those who have surplus and those who are in need of money. मतलब हमने पैसा जमा किया, हमारे पास surplus थे और हमारे उस पैसों को bank ने लिया and उसने उसको credit में दे दिया. Banks charge a higher इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर इन डिपॉजिट्स। अभी मैंने ऊपर आपको 10 और 4 वाला एग्जाम्पल दिया था कि बैंक जो है क्रेडिट पर 10% लेता है और हम लोगों को 4% देता है, तो जो ये बचा हुआ 6% है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही आपके मतलब ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है और दोनों का आंसर क्लास 10 सेम है। दो तरीके से आता, दोनों का आंसर सेम है। मतलब एक है बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु आर सरप्लस एंड दोज हु आर इन नीड, तो भी आपको यही बताना है, ये वाला बैंक्स अपने पास कुछ डिपॉजिट्स रखता है, मेजर पोर्शन को इट यूजेस एज क्रेडिट, इट चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड इट पेस लेस टू द सेविंग्स अकाउंट। जो डिफरेंस होता है दैट इज द मेन सोर्स। या फिर आपके पेपर में आ सकता है What is the main source of income for the bank? These are the, this, मतलब दोनों का आंसर सेम है, ठीक है? Now there are different kinds of मतलब की credit जो बैंक हमें लेता है, as I have already told. Now do you think that credit is always positive? क्या क्रेडिट हमेशा पॉजिटिव रहता है? नो, समटाइम्स क्रेडिट कैन बी वेरी पेनफुल। अभी जैसे दिवाली का सीजन है, राइट? अभी दिवाली का सीजन है, तो दिवाली के सीजन में सब लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा तरह तरह की चीजें होती है मार्केट में, यू हैव टॉयज भी होती है, पटाखे भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब इनके पास कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से आता है? ये छोटी छोटी दुकानों वाले, बड़े दुकानों वाले कहाँ से आता है? सो व्हाट डू दे डू इज दे टेक लोन, चाहे वो अपने फ्रेंड से लें, चाहे वो बैंक से लें, एंड देन वो लोग क्या करते हैं, सामान बनाते हैं एंड ड्यूरिंग दिस दिवाली सेल, मतलब ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सेल वो बेच देते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो जिनसे उन्होंने वो पैसा लिया होता है उनको वापस कर देते हैं और प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, यानी कि उनके लिए क्रेडिट एक पॉजिटिव फैक्टर बन गया। लेकिन कई बार दे आर नॉट एबल टू रिटर्न बैक, उनकी बिक्री नहीं हुई, दे कुड नॉट सेल आउट देयर, उनको लॉस हो गया और जो लोन लिया था उसको भी वापस करना है, दैट बिकम्स अ नेगेटिव सिचुएशन। और ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्रेडिट है, इट इज बोथ क्रेडिट
plays a positive as well as negative role, explain with examples करके कई बार repeated question है from this chapter. तो positive क्या है आपका? Positive है festive season में सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी आपको ये लेना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी ले सकते. नाउ सलीम ने मोर वर्कर्स ले लिए, उसने रॉ मटेरियल भी करना था तो उसने जो है एक लेदर सप्लायर से क्रेडिट लिया एंड दूसरा लोन उसने अपने लार्ज ट्रेडर से लिया. एट द एंड ही वॉज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ प्रॉफिट एंड रीपे द मनी. जब सलीम ने पैसा लिया तो वो वापस कर सका, राइट? इन दिस सिचुएशन सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल एंड ही वॉज एबल टू रिटर्न बैक एंड ही वॉज ऑल्सो एबल टू अर्न प्रॉफिट. तो यहाँ पॉजिटिव. स्वप्ना शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, उसने भी लोन लिया कि जब उसके पौधे बन जाएंगे तो वो रिपे करेगी, लेकिन द क्रॉप हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. अब सपना ने पेस्टिसाइड्स भी लगाए लेकिन उसके पौधे मर गए. शी वॉज नॉट एबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड जो मतलब की डेट था वो क्योंकि 1,000 पे 10 रुपए, तो अगर 5,000 रुपए लिए तो 50 रुपीज, वो बढ़ते 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 एवरी मंथ 50, यानी कि 12 महीने में वो कितना हो जाता. तो शी हैड टू टेक अ फ्रेश लोन. लेकिन अब उसने फ्रेश लोन लिया, उसको अर्निंग भी हुई लेकिन उसको तो दो कर्जे वापस करने थे, तो शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ अवर लैंड टू पे द डेट. तो कई बार क्या होता है इन द रूरल एरिया, नॉर्मली रूरल एरियाज में वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही लेते हैं, सीड्स के लिए लेते हैं. ये एमसीक्यू में आया था, दिस क्वेश्चन केम इन द एमसीक्यूज. इलेक्ट्रिसिटी मतलब की रिपेयर ऑफ मतलब की इक्विपमेंट, इन सब के लिए लेते हैं. एंड नॉर्मली देर इज अ स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months, पहले लेते हैं उसको बोते हैं फिर वो बन के आता है. तो कई बार इफ दे डू नॉट इफ देयर मतलब उनका अगर क्रॉप नहीं ग्रो किया, उनके क्रॉप्स खराब हो गए, कम आए, दे आर नॉट एबल टू रिपे द अमाउंट एंड इन दिस वे द क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी कि कर्जे की मतलब कि ट्रैप ऑफ डेट, कर्जे के जाल में वो फंस जाते. सो क्रेडिट कैन बी पॉजिटिव एंड क्रेडिट कैन बी नेगेटिव. अगर हम अपने मतलब कि जिस भी पर्पस के लिए लिया है अगर हम टाइम से वापस कर देते हैं देन क्रेडिट इज पॉसिबल पॉजिटिव, बट इफ वी आर नॉट एबल टू रिटर्न बैक देन इट बिकम्स नेगेटिव. तो हमें क्रेडिट को बहुत सोच समझ के करना चाहिए. और इसके लिए यहीं से हमारा स्टार्ट होता है कि हमने तो ये बात बोल दी कि भाई क्रेडिट इज पॉजिटिव क्रेडिट इज नेगेटिव. इन मतलब कि अर्बन एरियाज हम लोग तो नॉर्मली बैंक्स में ही जाते हैं, बट रूरल एरियाज में बहुत तरीके के क्रेडिट्स होते हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं उनके अलग अलग तरीके के क्रेडिट्स होते हैं, और अगर क्रेडिट आपको बहुत महंगा मिलेगा तो आप रिटर्न नहीं कर पाते हैं. सो वी नीड चीप क्रेडिट एंड वहीं पर आपके बैंक्स आपके कोऑपरेटिव ये काम करते हैं, विच वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट.